और मंगलौर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर ईंट भट्टों पर लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिसमें हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। दरअसल झबरीड़ा के सढोली माजरा गांव में स्थित ईंट भट्टों पर ईंटों को पकाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग बड़े ही पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। वहीं ईंट भट्टे स्वामियों ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। ईंट भट्टों पर लगातार रबड़ और प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि संबंधित अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण लोगों को अब सांस की बीमारी का डर सताने लगा है। वहीं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी स्वामपाल सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। सडोली माजरा में एक भट्टा, ईंट भट्टा, उस पर यहाँ लगातार रबड़ जलाई जा रही है। हमने ईंट भट्टे मालिक को सूचना कर दी थी, जो उसके कर्मचारी उन्हें भी कह दिया था कि यहाँ रबड़ लगातार रबड़ जल रही है। इस रबड़ की जलने की वजह से हमारे गांव में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सांस की प्रॉब्लम है, खुद हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हम यहाँ खेत में काम कर रहे हैं, अपने किसान जो किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने अधिकारियों को भी कह दिया, हमने जो इसके जो अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के और जो SDM को सूचना दी थी, अपने जो विधायक को भी सूचना दी थी कि हमारे यहाँ रबड़ जल दिया भट्टे पर, इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और मना करने के बाद भी इन्होंने दुगना काम किया। वो महल्ला पहले तो ये बहुत थोड़ी लाते थे, अब ये बहुत ज़्यादा लाने लगे। अब यहाँ देखो आपको कम से कम 10 ट्रॉली पड़ी होंगी जो रबड़ की। इससे भारी नुकसान है गाँव वालों को भी, बच्चों को भी और बुड्ढों को भी, और खासकर फसलों को भी नुकसान है इसके प्रदूषण से। तो पहले कंप्लेंट आई थी, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिला था। लेकिन दूसरी बात, सढोली गांव से कंप्लेंट आ रही है मेरे पास में ईंट भट्टों के बारे में। उस पर जल्दी ही टीम बना के मैं इंस्पेक्शन करा के उस पर कार्रवाई करूँगा, और उम्मीद है कि कल इसको काम को करवाऊंगा।